धन के अधिपति देवता कुबेर, जिनका वास उत्तर दिशा। अर्थात अगर आपके घर की उत्तर दिशा में किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो स्वाभाविक तौर पे कुबेर देवता नाराज हो जाने वाले, अर्थात धन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहे तो आपको अपने नॉर्थ अर्थात उत्तर दिशा को साफ सुथरा, खुला खुला और बहुत ही हल्का रखना पड़ेगा। अगर आपके घर में उत्तर दिशा भारी है और बाकी दिशाएं नीचे की ओर हैं तो आपके घर का कर्ज बढ़ सकता है, आप कर्जों से परेशान हो सकते हैं। और अगर आपके घर में उत्तर दिशा में दरारें हैं या बहुत सारा क्लस्टर, पुराने जूते चप्पल कबाड़ इस तरह का आपने अपने उत्तर दिशा में स्टोर किया हुआ है तो आपके रिश्ते लोगों के साथ ख़राब हो सकते हैं, आपके घर के लोगों के साथ संबंध ख़राब हो सकते हैं और आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रह सकता है। उत्तर दिशा बहुत ही पवित्र दिशा है, कुबेर इसके स्वामी हैं और अधिपति देवता या प्रतिनिधि ग्रह बोला जाए तो बुध ग्रह हैं। हरा रंग इस दिशा को बहुत पसंद है, अर्थात आप अपने नॉर्थ की दिशा में जितनी हरियाली उत्पन्न कर सकते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे लगा सकते हैं, माँ तुलसी का वास वहाँ पे कर सकते हैं तो आप विश्वास करिए आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पूजा ग्रह का स्थान भी उत्तर दिशा में सर्वोत्तम माना गया है। ईस्ट की ओर रखे हुए ईश्वरों का स्थान और जो उत्तर दिशा में आपका पूजा घर हो वहाँ पे सर्वोत्तम माना गया है, जहाँ आप लक्ष्मी गणेश के साथ साथ कुबेर भगवान की प्रतिमा का भी स्थापना करिए। नित्य लक्ष्मी गणेश और कुबेर की पूजा आपके घर को धन समृद्धि से भर देगी। आप कोशिश करिए कि आपकी जो घर की उत्तर दिशा है वो हमेशा साफ सुथरी, सुंदर और खुली हुई हो। उत्तर दिशा की ओर रहने वाले डोर उत्तरमुखी जो होते हैं या नॉर्थ डायरेक्शन में जिनका मेन डोर होता है, उन्हें हमेशा अपने घर के सामने तुलसी लगानी चाहिए और नित्य उसकी पूजा साधना करनी चाहिए। और कहते हैं कि उत्तर दिशा ही एक ऐसी दिशा है जो 24 घंटे बली रहती है। पूरब दिशा दिन में बली रहती है, साउथ दोपहर के समय बली रहता है, इसी तरह से उत्तर दिशा इकलौती एक ऐसी दिशा है जो 24 घंटे बली रहती है। तो हमारे घर में बहुत ही पवित्र स्थान जो है उत्तर का होता है, लेकिन उत्तर दिशा में ध्यान देने वाली चीज़ है कि कभी भी नल ना लगाएं, क्योंकि जितना नल वहाँ पे होगा या पानी का ऐसा कोई सोर्स होगा आपके वहाँ पे, उसी उतना ही पैसा आपके घर से बाहर की ओर जाना शुरू कर देगा। तो इसलिए नल का उपयोग कभी भी उत्तर दिशा में ना करें। कोशिश करें आपका मेन डोर उत्तर दिशा की ओर, खिड़की दरवाजे हो, बड़ा आंगन हो जहां आप पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली लगाएं और इस तरह से उपयोग करें। अगर आपको लगता है कि आपके घर में उत्तर दिशा में दोष है तो बुध ग्रह की स्थापना आप अपने उत्तर दिशा में करें। मेन डोर उत्तर की ओर है तो हरे रंग के गणपति आप अपने अंदर बाहर अपनी चौखट के ऊपर स्थापित करें और हमेशा उत्तरमुखी घर वालों को कुबेर देवता की भी आराधना साथ में करनी चाहिए। और भी बहुत सारे उपाय हैं उत्तर दिशा को बली करने के लिए, आप अगर उन उपायों को जानना चाहते हैं और अधिक जानकारी चाहते हैं वास्तु से रिलेटेड तो आप हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ के मोबाइल नंबर से जुड़ सकते हैं, उन पे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और आने वाली हमारी वास्तु की क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं।
इन छोटे छोटे वीडियो में आपको छोटा सा समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वास्तु के बारे में समझ सके, जान सके। इसी के साथ मैं अलका विरदी आप सभी का बहुत बहुत मंगल कामना के साथ धन्यवाद करते हुए थैंक यू सो मच।